आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। खूबसूरत चेहरा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको पता है ये कौन है? जान के हैरानी होगी, 22 साल के सत्यजीत रे। जी हाँ, बहुत ही मशहूर डायरेक्टर, भारत रत्न अवार्डी और एकेडमी अवार्ड मेरा भैया, एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड इनको मिला था। जी हाँ, और बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर, मार्टिन स्कॉर्सीज, द डिपार्टेड वाले, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट वाले, क्रिस्टोफर नोलन, इंटरस्टेलर वाले, बैटमैन वाले, इंसेप्शन वाले, स्टीवन स्पीलबर्ग और बहुत सारे डायरेक्टर ने इतनी तारीफ की है, कुछ लोग तो इनको अपना गुरु ही मानते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, भारत की मूवीज को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कराने वाले सत्यजीत रे, और इनको इंटरनेशनल एक्लेम बहुत ज्यादा मिला है। ईटी मूवी आई थी, आपको याद होगा, स्टीवन स्पीलबर्ग की एलियन वाली मूवी, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल, आपने शायद देखी भी होगी। स्क्रिप्ट जो है ना वो इनकी थी, हम बात करेंगे इस पे भी। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सत्यजीत रे, भारत रत्न इनको मिला था। क्यों मिला था देखेंगे आज। बहुत सारी मूवीज की बात होगी, जो सबसे ज्यादा पसंद होता है मूवीज की बात करना। तो आज हम पढ़ाई से हटके मूवीज की बात करेंगे, पढ़ाई की भी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो मूवीज होती हैं वो समाज का आईना ही होती है, स्पेशली आर्ट्स मूवीज। हालांकि ये काफी स्लो होती हैं, लोगों को पसंद नहीं आती है, कंटेम्प्रेरी मूवीज होती हैं, लेकिन ये सारी जो मूवीज होती है ना, ये समाज का आईना होती है, जो दुनिया में चल रहा होता है वो दिखाती हैं। तो ये चीज है। सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, यही डीपी लगी हुई है, सर्च करने में आसानी होगी। वहां पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेक्चर की पीडीएफ भी ले सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए और घर बैठ के अपनी ड्रीम जॉब निकालिए। हमने सारे ही एग्जाम्स को कवर किया है। तो दोस्तों ये लिस्ट है, इस लेक्चर में मैं ये लिस्ट नहीं दोहराऊंगा क्योंकि लेक्चर काफी लंबा होने वाला है। मैं इनकी मूवीज की बात करूंगा, दो पर्टिकुलरली दो मूवीज की बात करूंगा और बताऊंगा कि उसका कंसेप्ट क्या था। वैसे बता दूं कि सत्यजीत रे की जो मूवीज है वो काफी स्लो होती हैं, और काफी लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्लो होती है, लेकिन आप कभी भी चार्म नहीं खोएंगे, इंटरेस्ट बना रहेगा। हाँ, समझनी पड़ती है, इंटेलिजेंट मूवीज बनाते थे बहुत ज्यादा। इसमें कटाक्ष भी होता था, इसमें मैसेज भी होता था, इसमें क्या करना है, क्या रास्ते हैं वो भी होता था, और जो चल रहा है वो तो होता ही था। सब कुछ दिखा देते थे एक ही सीन में, एक ही मूवी में, सत्यजीत रे। तो ये देख लीजिए आप लिस्ट दोस्तों, ठीक है। इनमें से बहुतों की मैंने बायोग्राफी कवर कर ली है। 2019 में जिनको अवार्ड मिला भारत रत्न, अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी कवर की है मैंने। पंडित मदन मोहन मालवीय, सचिन तेंदुलकर, सीएनआर राव की बायोग्राफी जो है वो नहीं कवर की, वो अगले हफ्ते मैं कवर कर दूंगा। इन सब की बायोग्राफी कवर कर ली है, लता मंगेशकर और गोपीनाथ बारदोली को छोड़ के बाकी सबकी बायोग्राफी मैंने कवर कर ली है। उसके बाद दोस्तों इन सबकी भी बायोग्राफी मैंने कवर कर ली है, सत्यजीत रे की कवर कर रहा हूँ, जीआरडी टाटा, मौलाना अबुल कलाम आजाद बचे हुए हैं, बाकी इन सबकी बायोग्राफी कवर कर ली है, खान अब्दुल गफ्फार खान को छोड़ के इन सबकी भी बायोग्राफी कवर कर ली है, इनकी बायोग्राफी और इन सबकी बायोग्राफी। तो जो भी आपको स्क्रीन पे नाम बताया मैंने, इन सबकी बायोग्राफी कवर्ड है। तो सत्यजीत रे की बात करें दोस्तों, तो पहली बात तो इनको इंटरनेशनल इतने सारे अवार्ड मिले हैं कि घर में इनके जगह नहीं होगी अवार्ड रखने की। दोस्तों सच बता रहा हूं, सारे देशों से अवार्ड मिले हैं, चार्ली चैपलिन के बाद ये दूसरे हैं जिनको ऑक्सफोर्ड से डिग्री मिली है। जी हाँ, चार्ली चैपलिन के बाद दूसरे हैं ये जिनको ऑक्सफोर्ड ने सम्मानित किया है, ठीक। तो ये भी चीज है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इनको भारत रत्न दिया ही। बहुत सारी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की है, 36 फिल्म से ज्यादा ही इन्होंने डायरेक्ट किया है, जिसमें से बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म्स हैं, बहुत सारी। ये एक राइटर भी थे, पब्लिशर भी थे, इलस्ट्रेटर भी थे, कैलीग्राफर भी थे, म्यूजिक कंपोजर भी थे, ग्राफिक डिजाइनर और फिल्म क्रिटिक भी थे, ये सब कुछ थे। 32 से ज्यादा इनको नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं दोस्तों। तो सत्यजीत रे को इसीलिए भारत रत्न मिला है। और बंगाली थे, आपको बता दूं कि जब बीबीसी ने 100 बंगालीज एवर लिव्ड, मतलब 100 बंगालीज नहीं, जो बहुत महान बंगालियों की सूची बनाई थी, उसमें इनका 13वां नंबर था, 13th रैंक थी इनकी, ठीक है ना। हालांकि रैंक पे बेसिस पे किसी को भी जज नहीं किया जा सकता। फिलहाल सत्यजीत रे की बात करें दोस्तों, तो इनका जो जन्म है वो 2 मई 1921 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, एक बंगाली कायस्थ फैमिली थी। इनके दादाजी भी दोस्तों एक ब्रह्मो समाज के लीडर थे दोस्तों,
प्रिंटिंग प्रेस चलती थी यू रे एंड सन्स, और वो भी एक बहुत बड़े फिलोसोफर पब्लिशर थे। इनके पिताजी भी अच्छी खासी पोजीशन पे थे, ठीक है। उपेंद्र किशोर रे वो भी एक राइटर थे, तो उपेंद्र किशोर रे भी अच्छी खासी पोजीशन पे थे, और उनके बेटे जो थे सत्यजीत रे, वो तो दिखा ही है आपको, लेकिन बहुत ही छोटी सी उम्र में, जब सत्यजीत रे गोद में थे, इनके पिताजी का देहांत हो गया, ठीक है ना। सुकुमार रे, सुकुमार रे जो थे वो इनके पिताजी थे, और सुप्रभा रे इनकी माताजी थी। तो इनका जो पालन पोषण है वो इनकी माताजी ने ही किया। शुरुआती पढ़ाई तो दोस्तों इनकी गवर्नमेंट हाई स्कूल में हुई थी कलकत्ता में, ठीक है, बेली गंगा, लेकिन बाद में ये चले गए प्रेसिडेंसी कॉलेज। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो कि बहुत ही फेमस कॉलेज है, प्रेसिडेंसी कॉलेज से बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े, सीवी रमन, सुभाष चंद्र बोस, सीवी रमन चेन्नई वाले प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़े, सी सुब्रमण्यम, इनफैक्ट उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज ही सबसे बड़ा था। तो जो भी जितनी भी एजुकेशन होती थी वो प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री ली, और उसके बाद शांति निकेतन भी गई है। आपको बता दूं एक्चुअली क्या था कि शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था, ये आपको पता ही है। रविंद्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। तो इनकी माता जी ने बोला, इंसिस्ट की कि यार तुम जाओ शांति निकेतन में जाके पढ़ाई करो, शांति निकेतन में देखो वहां पे क्या होता है। इनको बिल्कुल मन नहीं था वहां पे जाने का, ठीक है। एक तो लगता था कि शांति निकेतन में इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा सा लो है, तो वहां पे मन नहीं था इनको जाने का। लेकिन जब ये वहां पे गए शांति निकेतन में, इन्होंने देखा, पढ़ाई की, तब इनको बहुत अच्छा लगा। ओरिएंटल आर्ट काफी इनको पसंद आई, और उसके बाद नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी जैसे महान पेंटर से जब मिले, तब इनको पता लगा कि नहीं भैया, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लेवल है वो काफी ज्यादा बड़ा है। तो ये चीज है 1943 में, ये एन लिखा है यहाँ पे, आई आप लगा लीजिए, ठीक है। तो 1943 में इन्होंने डीजे केमार के साथ काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। 80 रुपए इनको महीना मिलते थे। ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, अब ये ब्रिटिश रन एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, ये ब्रिटिशर चलाते थे। तो यहाँ पे बताते हैं सत्यजीत रे, ज्यादातर लोग ब्रिटिश थे, और ब्रिटिशर को ये बेवकूफ समझते थे, ऐसा लगता था उनको कुछ आता ही नहीं है। और जो ब्रिटिश यहाँ पे काम करते थे और जो इंडियंस यहाँ पे काम करते थे, तो ब्रिटिश को तो अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन इंडियंस को अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी। इन्होंने बहुत कुछ सीखा, इन्होंने विजुअल डिजाइन करना सीखा, ठीक है ना, विजुअल डिजाइनिंग सीखी, और यहाँ पे ब्रिटिश और इंडिया में टेंशन रहती थी, और यहां से इनको उन्होंने काफी कुछ सीखा। सत्यजीत रे ने जहां जहां काम किया वहां से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद बहुत ही जल्द ये फिल्म इंडस्ट्री में उभर है उतर है। फिल्म इंडस्ट्री में दोस्तों उतरना ऐसा हुआ कि यहाँ पे सत्यजीत रे ने इसके बाद काम किया एक प्रेस में। ये क्या करती थी, जो बुक्स का कवर होता है ना, ठीक है ना, आपने बुक खरीदी उसका एक कवर होता है, बड़ा ही सुंदर होता है, ठीक है, वो डिजाइन करते थे ये सत्यजीत रे। सिग्नेट प्रेस नाम था उसका, ठीक है, सिग्नेट प्रेस एक पब्लिशिंग हाउस था जो कि बुक्स के कवर को पब्लिश करती थी। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया के भी कवर को सत्यजीत रे नहीं पूरा वो डिजाइन किया था। तो सत्यजीत रे को ये बड़ा अच्छा लगा, और वहीं पे ही इनकी जो पहली मूवी थी, जो बहुत ही ज्यादा हिट मूवी रही है, क्रिटिकली एक्लेम मूवी रही है, सक्सेसफुल मूवी रही है, और बहुत ही फेमस मूवी रही है, पथेर पंचली। जी हाँ, पथेर पंचली, इस पे काम करना शुरू किया। जब इसके कवर को, क्योंकि सिंस ये एक स्टोरी पे ही बेस्ड है, एक राइटिंग पे ही बेस्ड है, तो जब पथेर पंचली ने पंचली का कवर इन्होंने डिजाइन किया, और उसके बाद जब पथेर पंचली को पढ़ना इन्होंने शुरू किया, तो ये इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए कि इन्होंने ये ठान ली कि इस पे तो मुझे मूवी बनानी ही है। पथेर पंचली के बारे में दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में, ठीक है। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि इन्होंने बिल्कुल ये सोच लिया कि मुझे पथेर पंचली पे मूवी बनानी है और एक फिल्म डायरेक्टर ही बनना है। मीन वाइल दोस्तों क्या हुआ कि ये लंदन भी गए थे, 1950 में लंदन भी गए, तब यहां पे इन्होंने मूवीज को स्टडी करना शुरू कर दिया। पहले तो अब डायरेक्टर आप बनने जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप चले गए डायरेक्टर बन गए, आपको उसकी भी स्टडी करनी पड़ती है। तो यहां पे ये लंदन गए, 100 से ज्यादा मूवीज इन्होंने देखी। इसी बीच एक फ्रांस के डायरेक्टर भी आए थे, ठीक है, यहाँ पे अपनी मूवीज को शूट करने। तो सत्यजीत रे ने उनकी हेल्प की कि कहाँ कहाँ आप शूट कर सकते हैं, और सत्यजीत रे ने उनको अपना आइडिया बताया कि पथेर पंचली एक ऐसी मूवी है, ये कंसेप्ट है, ये स्टोरी है, मैं बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फ्रांस के डायरेक्टर ने बोला ना, मैं नाम भूल रहा हूँ उस डायरेक्टर का, क्या नाम था, बोला कि बिल्कुल तुम इसको बनाओ। और फ्रांस का जो डायरेक्टर था उसकी जो मूवी थी वो, उसका नाम था द रिवर, उस मूवी की शूटिंग के लिए 1949 में आया था। और जब पथेर पंचली ने अपना
सत्यजीत रे ने अपना आइडिया बताया कि पथेर पंचली एक मूवी है मुझे बनानी है, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल बनाओ, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे फिर कभी भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और इस मूवी पे काम करने लगे। लेकिन इतना आसान नहीं था दोस्तों, भारत आजाद हुआ था, यहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं थे, सत्यजीत रे के पास भी मूवी बनाने के बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जज्बा था, मूवी तो बनानी ही बनानी है। ठीक है, 1949 में इन्होंने शादी भी की, बिजोया दास जो इनका लव अफेयर था, जिनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनसे इन्होंने शादी भी की। तो सब कुछ बढ़िया है, फैमिली भी सेटल हो गई है और अब मूवी बनाएंगे। तो मूवी बनाने के लिए तो पैसा है नहीं, जितने भी इनके पास लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा उम्र सत्यजीत रे की नहीं थी, हाँ एक्सपीरियंस काफी हो गया था दोस्तों, ठीक है ना, 52 की बात है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया था, 30 साल की उम्र थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि नहीं ये मूवी पे काम करना है तो करना है। तो पथेर पंचली पे काम शुरू हुआ, क्रू ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, ठीक है, पैसे नहीं बनाने के लिए। हालांकि यहां पे आपको बता दूं कि सत्यजीत रे को फंडिंग्स के काफी ऑफर है, फंडिंग मिलने के बहुत ज्यादा ऑफर है, और पैसा ना होने के कारण 3 साल से ज्यादा लग गए थे इस मूवी को बनने में। ठीक है, 1949 में काम शुरू हुआ था और 1952 में ये खत्म हुआ था, ठीक, मतलब 1952 में ये काम शुरू हुआ था और उसके बाद ये 1955 के अराउंड जो है वो खत्म हुआ था। तो ये चीज थी, और जितने भी एक्टर्स थे उनको भी कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन स्टोरी बहुत ज्यादा कमाल की थी, ये इनको बिल्कुल पता था कि एक बार जब ये मूवी बन गई तब ये तहलका मचा देगी, क्योंकि ये असली जिंदगी थी ना, ये असली जिंदगी थी जो भारत में हो रहा था, पथेर पंचली उसको डिस्क्राइब करती थी, उसको डिपिक्ट करती थी। मुझे नहीं पता आपने सत्यजीत रे की या सत्यजीत रे की कोई भी मूवीज देखी है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कौन सी सत्यजीत रे की मूवी देखी है और सबसे फेवरेट आपकी कौन सी है। मैंने शतरंज के खिलाड़ी देखी है, चारूलता देखी है, शतरंज के खिलाड़ी हालांकि बहुत ज्यादा स्लो मूवी थी, उसमें पूरी मूवी में चेस खेलते रहते हैं, शतरंज खेलते रहते हैं, ठीक है। तो पथेर पंचली की जब शूटिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, बहुत लोगों ने बोला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हम पैसा दे देंगे बिल्कुल, लेकिन स्क्रिप्ट चेंज कर दो। तो यहाँ पे सत्यजीत रे ने बोला कि ऐसा मैं नहीं करने वाला। ऐसा ही होता है दोस्तों कि अगर आप बाहर से पैसा उठाते हैं, कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरे लोग अगर आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, तो जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें वो फेरबदल चाहेंगे ही चाहेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि नहीं, जो आपका ओरिजिनल आइडिया वो सही है, लेकिन ज्यादातर लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट चेंज कर दो, या जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ मूवीज की बात नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको चेंज कर दो। तो यहाँ पे सत्यजीत रे ने बोला मैं बिल्कुल नहीं चेंज करूंगा। यहाँ पे सरकार ने भी बोला कि ठीक है, मैं भी हम भी आपको फंड कर देंगे, और कुछ और लोगों ने बोला और ये भी डिमांड रखी कि इसकी एंडिंग चेंज कर दो। पथेर पंजली की जो एंडिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, थोड़ी दुखद एंडिंग है, काफी दुखद एंडिंग है। तो यहाँ पे एंडिंग चेंज करने की बात थी, सत्यजीत रे ने बोला कि इसकी एंडिंग भी मैं चेंज नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। शूटिंग शुरू हुई, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने फंड किया इस मूवी को और फाइनली सत्यजीत रे को फंडिंग मिली, उन्होंने पूरी मूवी कंप्लीट की। और 1955 में जब ये मूवी रिलीज हुई, उसके बाद सत्यजीत रे का जो नाम हुआ, कमाल है। सत्यजीत रे की मूवीज की बात करें दोस्तों, तो वैसे तो 4 फेज में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो इनका पीरियड था, एक तो 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1959, फिर 1959 से लेकर 1965 जो कि सबसे जबरदस्त फेज था इनका, फिर 1965 से लेकर 1982 और लास्ट फेज 1982 से लेकर 1992। तो आप देख सकते हैं ना, जैसे एवेंजर के फेजेस है ना, आई मीन मार्वल्स के फेजेस है, वैसे इनके भी फेजेस है। तो यहाँ पे दोस्तों वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने फंड दिया, लोन दिया, ठीक है, और मूवी कंप्लीट हुई, 1955 में रिलीज हुई, बहुत ज्यादा सक्सेस, बड़ा ही क्रिटिकल एक्लेम मिला, सारे क्रिटिक्स ने भर भर के तारीफें तारीफें दी, तारीफों के पुल बांधे, बहुत अच्छा। अब यहां पे सत्यजीत रे को बहुत बड़ा बूस्ट मिला और उसके बाद इन्होंने आगे और बहुत सारी मूवीज बनाई। अब मैं पथेर पंचली की बात करना चाहता हूँ दोस्तों। पथेर पंचली की बात करें तो एक बहुत ही छोटे से गांव के इर्द गिर्द घूमती है ये, बंगाल का एक छोटा सा गांव, ठीक है, एक परिवार, एक गरीब परिवार जिसमें एक लड़का होता है, उसका नाम होता है अप्पू। अप्पू नाम से ये बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आपको बता दूं कि सत्यजीत रे ने जो इनिशियल मूवीज बनाई है वो इनकी लाइफ से, इनकी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, आपको बता दूं बहुत ज्यादा प्रभावित थी। और एक मूवी चारूलता जो सबसे ज्यादा एकम्प्लिश्ड मूवी मानी जाती है सत्यजीत रे की, वो तो रविंद्रनाथ टैगोर की पूरी जिंदगी थी, ठीक है ना। तो अप्पू की बात करें दोस्तों, तो इस नाम से बड़ा प्यार था सत्यजीत रे को,
और काफी मूवीज में अप्पू नाम देखने को मिलता है, और इसपे ट्रायलॉजी बना दी, तीन मूवीज बना दी, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। तो पार्ट वन था पथेर पंचली। तो ये एक छोटे से गांव के इर्द गिर्द घूमती है एक बहुत ही गरीब परिवार, उसमें एक छोटा सा लड़का अप्पू, उसकी बहन दुर्गा, मम्मी और पापा। पिताजी चले जाते हैं बाहर। अब इनकी फैमिली के ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं अप्पू के ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं कि मैं बहुत बड़ा करूंगा, लेकिन गरीबी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा गरीबी होती है। तो इनके पिताजी चले जाते हैं कि मैं सपनों को पूरा करूंगा, लेकिन बाहर पैसे कमा के जब वापस आते हैं तो इतने पैसे होते ही नहीं है कि ये इनके सपनों को पूरा कर पाए। और जो गांव की कंडीशन है वो बिल्कुल भी बदली नहीं होती है, ऊपर से दुर्गा जो इनकी बहन है उसकी भी डेथ हो जाती है। आई थिंक फ्लड्स आए होते हैं किसमें, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये मूवी बहुत पहले देखी थी, और जब मैं छोटा था मैंने मूवी देखी थी, मुझे तो बड़ी बेकार लगी थी वो, क्योंकि वो इतनी स्लो थी, इतनी स्लो थी, उस समय समझ ही नहीं आई थी। इनकी मूवीज को लिया, इनकी मूवीज को समझने के लिए आपका इंटेलेक्चुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको बहुत ही ध्यान से देखनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी मूवीज में बहुत हिडन मैसेजेस होते हैं, ठीक है ना। तो जब बाद में मैंने देखी तब मुझे लगा कि भैया ये क्या बना दी है, क्या बना दी, और एकदम दिमाग में बस गई मेरे वो मूवी। तो यहाँ पे दुर्गा की भी डेथ हो जाती है, परिवार के ऊपर पूरा गम के बादल छा जाते हैं, और लास्ट में क्लाइमेक्स में परिवार जो है पूरा मतलब अपने घर को छोड़ देता, गांव छोड़ के चला जाता है। तो क्लाइमेक्स काफी ज्यादा दुखद था, ट्रेजिक एंड था। लेकिन इसके बाद दो और मूवीज बनी जिसमें अगेन जो हीरो था वो अप्पू था। तो एक तरीके से ये अप्पू ट्रायलॉजी इन्होंने पूरी की, ठीक है। तो ये चीज थी, ठीक। तो अब इनकी जो अगली अगली फिल्म थी वो थी अपराजितो, अगेन इसमें अप्पू था, इसको गोल्डन लायन अवार्ड भी मिला वेनिस फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है ना। उसके बाद सत्यजीत रे को इंटरनेशनल क्लेम मिलना यहां से शुरू हो गया। फिर उसके बाद अप्पू ट्रायलॉजी इन्होंने कंप्लीट की, पराश पत्थर भी इन्होंने किया, जल सागर भी किया, और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि रविंद्रनाथ टैगोर पे भी डॉक्यूमेंट्री बना दो, तो महापुरुष करके एक डॉक्यूमेंट्री बने। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत ज्यादा एडमायर करते थे, ठीक है। चारू लता की अभी हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें थी, इनकी जितनी भी मूवीज होती थी वो सीधा कटाक्ष होती थी जो कि समाज में हो रहा था, ठीक है। जल सागर, द म्यूजिक रूम, जो जमींदार करते थे ना उन पे ये मूवी बनी हुई थी। तो बहुत सारी, हालांकि मूवीज को डिस्कस करेंगे तो काफी लेक्चर एक तरीके से लंबा हो जाएगा, आप जरूर देखिएगा। उसके बाद फाइनली ट्रायलॉजी की जो आखिरी पार्ट था, अप्पू की ट्रायलॉजी का आखिरी पार्ट और पहले फेज का एंड, फर्स्ट फेज का एंड सत्यजीत रे का अपूर संसार, और ये ट्रायलॉजी खत्म हुई 1959 में। उसके बाद 1959 से लेकर 1964 तक ये दूसरा फेज चालू हो गया, और ये बहुत ही गोल्डन फेज रहा सत्यजीत रे की जिंदगी में। चारू लता इन्होंने बनाई, बहुत ही बेहतरीन मूवी, अब तक इसको मोस्ट एकम्प्लिश्ड फिल्म ऑफ सत्यजीत रे बोला जाता है। चारू लता की बात करें तो मैं आपको कहानी बताता हूं, आपको प्लॉट बताता हूं क्या था। चारू लता एक अकेली बीवी, लोनली वाइफ की कहानी है, जो काफी दुखी रहती है, बहुत ही इंटेलिजेंट, जिसके एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े हैं, लिटरेचर को बहुत एडमायर करती है, गाने बजाने को बहुत एडमायर करती है, आर्ट एंड कल्चर में पूरी तरीके से डूबी हुई है। बहुत अमीर परिवार में उसकी शादी होती है, पति का नाम होता है भूपति, शादी बहुत अमीर परिवार में होती है, और जो पत्नी होती है उसका नाम होता है चारू, ठीक है, चारू लता, उसी के ही नाम पे, जो यहाँ पे हीरोइन है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसी का ही नाम होता है चारुलता, और चारुलता मूवी का ही नाम है, ठीक है, द लोनली वाइफ। तो बहुत अमीर होती है, उसके पास सब कुछ होता है, उसके पास गाड़ियां होती हैं, उसके पास नौकर होते हैं, उसके पास अच्छा पति होता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। देख रहे हैं ना मैसेज कितना बड़ा है, भले ही आप पूरी दुनिया जीत ले, मन में अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो दुनिया ही बेकार है। तो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, वो चाहती है कि मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊं, और तब एंट्री होती है भैया भूपति के छोटे भाई, भूपति के कजन अमाल की, अमाल की क्या नाम होता है मैं भूल रहा हूं दोस्तों, एक्चुअली मूवीज मैंने थोड़ा पहले देखी थी, ठीक है। तो यहां पे एंट्री होती है उसकी, तो जब उसकी एंट्री होती है कजन की, भूपति के कजन की, जब वो घर में रहने आता है तो यहाँ पे चारुलता से इंटरेक्ट करता है। तो जब इंटरेक्ट करता है तो उसको जब पता लगता है कि इसके तो बड़े बड़े सपने, तो बहुत ज्यादा वो इंस्पायर करता है, बहुत इंस्पायर करता है कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तो बहुत ज्यादा खुश रहने लगती है चारुलता जो है, चारू जो है अमाल के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों जब ये सारी चीजें होती हैं तो दोनों में प्यार हो जाता है। तो यहाँ पे पति के भाई के साथ चारू को प्यार हो जाता है, दोनों प्यार में डूब जाते हैं, लेकिन
बाद में ये एहसास होता है, कहानी बहुत बड़ी है दोस्तों, मैं स्किप कर रहा हूं, बाद में बहुत ये एहसास होता है अमाल को कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं, और एक चिट्ठी छोड़ के चला जाता है चारू के लिए, लंदन पढ़ने चला जाता है, और उसमें वो बताता है सारी चीजें लिखी होती हैं, और माफीनामा भी एक तरीके से होता है। बहुत ज्यादा दुख होता है चारू को, बहुत ही ज्यादा वो रोती भी है, और उसके बाद जब इनके पति को पता चलता है तो काफी ज्यादा गुस्सा होते बहुत है लेकिन दिखाते नहीं है, और ये जो एक तरीके से कोल्डनेस है दोनों के बीच में, दूरियां है, वहां से शुरू हो जाती है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। आपको कुछ एहसास हुआ ये किसकी कहानी है? चारू लता किसकी कहानी है? दिमाग दौड़ाइए फिर से, किसकी कहानी है? ये रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है। चारू लता रविंद्रनाथ टैगोर की नॉवेल पे ही बेस्ड है। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखी थी द ब्रोकन नेस्ट, उन्हीं की ही नॉवेल पे बेस्ड है, और ऐसा बहुत लोगों ने बोला है, और ये काफी हद तक सच भी है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी ही कहानी बयां कर दी है। रविंद्रनाथ टैगोर को भी अपनी जो भाई की पत्नी है उनसे प्यार हो गया था। जी हाँ, और एग्जैक्टली यही कहानी है। ठीक है, अब हालांकि इस पे बहुत विवाद है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा है, ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज तो आप बिल्कुल मान के चलिए, ये फिक्शनल नॉवल एक तरीके से नहीं है, और यहाँ पे राइटर्स, कोई भी राइटर हो वो जो भी लिखता है वो अपने एक्सपीरियंस से ही लिखता है, और एक तरीके से वो अपनी भावनाओं को जो उसने पूरी नहीं की है या जो पूरी भी की है वो कागज पे उतार देता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर से काफी ज्यादा मिलती जुलती है चारू लता की कहानी, और रविंद्रनाथ टैगोर की ही नॉवेल पे बेस्ड है। तो जब ये मूवी, आपको स्टोरी सुनने में बड़ा मजा आया, जब आप मूवी देखेंगे तो और मजा आएगा। तो यहां पे जब ये सारी, जब ये मूवी रिलीज हुई और उसके बाद जब लोगों ने देखा तो भैया सब फैन हो गए, एकदम झुक गए इनके आगे, और बहुत ज्यादा इस पे इनको इंटरनेशनली एक्लेम मिला। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में इसको दिखाया गया, और भी अमेरिका, लंदन, हर जगह इनकी स्क्रीनिंग हुई दोस्तों। और उसके बाद सत्यजीत रे ने और भी बहुत सारी मूवीज की, सिर्फ यही मूवीज नहीं, बहुत सारी मूवीज की, और काफी कमाल कमाल की मूवीज की, ठीक है ना? तो ये चीज है, कंचनजंगा, महापुरुष, ये सारी भी मूवीज थी। ठीक, उसके बाद दोस्तों तीन कन्या, अभिजान, कुपुरुष, कापुरुष की कुपुरुष आप देख लीजिएगा, महानगर, ये सारी भी मूवीज इन्होंने की, बहुत सारे मूवीज इन्होंने की दोस्तों, एक नहीं बहुत सारी मूवीज इन्होंने की। और शर्मिला टैगोर, आपको बता दूं ये अपूर संसार में जो हीरोइन थी वो शर्मिला टैगोर और सौमित्र चटर्जी थे, दो बहुत बड़े कलाकार। शर्मिला टैगोर तो बहुत ही बड़े कलाकार, बहुत बड़ी कलाकार है, सैफ अली खान की माताजी, ठीक है, शर्मिला टैगोर तो बहुत बड़ी कलाकार है। तो इसमें इन्होंने डेब्यू किया था अपूर संसार में, ठीक है ना, वर्ल्ड ऑफ अपूर ट्रायलॉजी का कंप्लीशन था ये। इसके बाद एक और आपको बता दूं कि इन्होंने और भी प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया लेकिन वो बन नहीं पाए। एक महाभारत, द एपिक महाभारत, आमिर खान भी चाहते हैं ना महाभारत पे मूवीज बने, ठीक है। उसके बाद जो ईएम फोस्टर की एक बहुत ही फेमस नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया, इसमें भी मूवीज बनाने की बात चली, लेकिन एक बहुत ही विवादित प्रोजेक्ट रहा एलियन दोस्तों। ये वाला जो प्रोजेक्ट था ये बहुत ही विवादित था। क्यों विवादित था? आपने स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी देखी होगी ईटी, अब हम बात करते हैं ईटी एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल, सभी ने देखी होगी। स्टीवन स्पीलबर्ग बहुत बड़े डायरेक्टर है हॉलीवुड के, हाल ही में अभी उनकी मूवी आई थी रेडी प्लेयर वन, ठीक है। तो द एलियन ये जो मूवी थी, ये जो स्क्रिप्ट थी, ये लिखी थी सत्यजीत रे, सत्यजीत रे ने इस पूरी मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी। अब यहां पे मिलने आते हैं माइकल कोल्सन, माइकल विल्सन जब इनसे मिलते हैं, बातचीत होती है एलियन पे, तो ये स्क्रिप्ट शायद बताते ही होंगे, हालांकि ये सब ऑफिशियल नहीं है लेकिन ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे माइकल कोल्सन इनके बारे में सुनते हैं, इनके स्क्रिप्ट के बारे में सुनते हैं, कोलंबिया मूवीज जो है वो इनके स्क्रिप्ट के बारे में सुनती है, एज इट इज मूवी बना दी जाती है 1982 में, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ई टी, देखिएगा मूवी काफी अच्छी मूवी है। कोई मिल गया आपने मूवी देखी होगी, कोई मिल गया काफी हद तक ईटी से इंस्पायर्ड है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल से इंस्पायर्ड है। स्टीवन स्पीलबर्ग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। बहुत बुरा लगा सत्यजीत रे को, ना सत्यजीत रे को कुछ बताया, ना इनको कोई भी रॉयल्टी मिली, पैसा बिल्कुल नहीं मिला, बिना बताए इनकी पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लिया और एक अलग ही मूवी बना दी। द एलियन बेसिकली
लिखी किसने थी, मतलब ईटी, ईटी के नाम से इसको रिलीज किया गया था, ये सत्यजीत रे ने लिखी थी, लेकिन बाद में सत्यजीत रे को कुछ नहीं मिला। हालांकि सत्यजीत रे ने कभी इस पे गुस्सा जाहिर नहीं किया, कभी दुख जाहिर नहीं किया, लेकिन इनका ये स्टेटमेंट है कि मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। अब जब स्टीवन स्पीलबर्ग के बारे में, स्टीवन स्पीलबर्ग से पूछा गया कि आपने तो ऐसा कर दिया, तो स्टीवन स्पीलबर्ग ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है, ऐसा नहीं है, मैं बचपन से ही ये चीज जो थी वो हमेशा से मेरे दिमाग में थी और ये चीज मैं करना चाहता था। तो ये सारी चीजें, हो सकता है वो सही भी कह रहे हो, लेकिन जो बिट्स एंड पीसेस हैं वो तो सत्यजीत रे की स्क्रिप्ट से लिए गए थे। एक तरीके से कोलंबिया पिक्चर ने कॉपीराइट ले लिया था तो सत्यजीत रे की स्क्रिप्ट पे, और सत्यजीत रे को बताया भी नहीं था। ये वही चीज है कि आप किसी को प्रोजेक्ट के बारे में अपने बताएं और आप नहीं बल्कि जिसको आप बता रहे हैं वो उसको चुरा के उस पर काम शुरू कर दे, पब्लिश कर दे, मतलब पूरा कंप्लीट कर दे और आपको कुछ भी ना बताए, आपको कुछ भी पैसा ना दे। तो उस तरीके का चीज थी, पैसा नहीं दो लेकिन कम से कम नाम तो बताओ कि हाँ इनसे इंस्पायर्ड है, इनकी स्क्रिप्ट ली है, ये भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद बांग्लादेश लिबरेशन वॉर पे भी इन्होंने मूवी बनाने की सोची, लेकिन वो आइडिया कंप्लीट नहीं हो पाया। और उसके बाद सबसे फेमस मूवी 1977 की शतरंज के खिलाड़ी, पूरी मूवीज में दोस्तों चेस खेलते हुए शतरंज खेलते हुए आपको दिखेंगे। शतरंज जो पूरा ये सेट है, जो चेस का सेट है, उसमें एक एक जो मूव होता है वो बेसिकली इंडिया और ब्रिटिश का मूव है, उसमें दिखाया गया है, ठीक है ना। वो शतरंज को एक तरीके से डिपिक्ट किया गया है कि भारत की तस्वीर क्या थी, ये इंटेलिजेंस है सत्यजीत रे का। और उसमें बहुत ही बड़े बड़े कलाकार थे, इसमें अमजद खान थे, इसमें संजीव कुमार थे, इसमें कौन थे भूल गया हूं मैं, संजीव कुमार, अमजद खान, शबाना आजमी, उसके बाद विक्टर बनर्जी थी, फिर सईद जाफरी थे और रिचर्ड एटनबरो भी थी। अब कुछ मैं भूल रहा हूं तो आप देख लीजिएगा, रिचर्ड एटनबरो वही गांधी वाले जिन्होंने गांधी मूवी बनाई थी। तो ये सब थे। और 1857 में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उससे एक साल पहले ये मूवी सेट थी, 1856 में। इसमें वाजिद अली शाह थे, अमजद खान वाजिद अली शाह का रोल प्ले किए थे। और उसके बाद ये पूरी मूवी चलती है, शतरंज खेलते रहते हैं, मुंशी प्रेमचंद की ही नॉवल पे बेस्ड है। मुंशी प्रेमचंद की भी बायोग्राफी का मैंने रिव्यू किया है, ठीक है ना। तो उस समय जो पूरी प्लानिंग थी, जो एनेक्सेशन था, नवाब नहीं चाहते थे कि वो अपनी गद्दी को छोड़े, तो ये सारी चीजें थी कि लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी, वो मैंने सब बताया, क्लियर किया है। झांसी की मणिकर्णिका जो मतलब रानी ऑफ झांसी की बायोग्राफी का मैंने रिव्यू किया है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का, तो आप देख लीजिएगा, वो सब मैंने डिस्कस किया है। तो ये इसमें पूरी मूवी जो थी वो बेस्ड थी, काफी स्लो मूवी थी लेकिन बहुत ही जबरदस्त मूवी थी। सत्यजीत रे के बारे में ये तो फेमस है कि इनकी मूवीज काफी स्लो होती थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आप इंटरेस्ट कभी भी नहीं खोएंगे। उसके बाद एक और मूवी पीकू डायरी करके, वो भी उन्होंने मूवी जो है वो बनाई। उसके बाद और भी सीमाबद्ध हो गई, जन आरण्य हो गए, प्रतिद्वंदी हो गए, ये काफी मूवी बनाई। ये बेसिकली जो तीन मूवीज थी, प्रतिद्वंदी, जन आरण्य, सीमाबद्ध, इसको कैलकटा ट्रायोलॉजी भी बोला जाता था क्योंकि ये कैलकटा पे ही बेस्ड थी। तो ये सारी जो है इन्होंने मूवीज बनाई। उसके बाद दोस्तों हमने चार फेजेस डिस्कस कर लिए, ठीक है। और 1983 से लेकर 1992 तक इनकी जो तबीयत है वो काफी खराब होने लगी। 1985 से लेकर 1992 तक भी इन्होंने काफी मूवीज बनाई, आगंतुक बनाई, गन शत्रु बनाई, ठीक है, काफी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अब भैया एक इंसान की एक सीमा होती है, ठीक है, तो उस सीमा के अंदर ही वो काम करेगा, जब वो समाप्त हो जाती है उसके बाद फिर उसका काम करना मुश्किल हो जाता है। तो एज हो गई तो मुश्किल हुई, एक हार्ट अटैक ऑलरेडी वो सर्वाइव कर चुके थे, 1983 में इनको एक हार्ट अटैक भी आया था, तो मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया, ठीक है। और फाइनली 1992 में इनकी बहुत ज्यादा हेल्थ खराब हो गई, इनको हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन इनकी हेल्थ सही नहीं हो पाई और 23 अप्रैल 1992 में इनका देहांत हो गया। पंडित रविशंकर के बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, और पंडित रविशंकर ने इनकी याद में एक एल्बम भी निकाला था, ठीक है, फेयरवेल माई फ्रेंड करके, जो कि बहुत ही बेस्ट सेलर भी रहा था। एकेडमी अवार्ड ने, ऑस्कर भी इनको मिला था, एकेडमी अवार्ड ने इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था, आपको बता दो, और फर्स्ट एंड ओनली इंडियन है जिनको ये ऑनर मिला है, ठीक इनकी डेथ से पहले। आपको बता दूं कि ऑस्कर जीतना सबसे बड़ा अवार्ड होता है फिल्मी जगत में, अगर हम देखें ऑस्कर, और ये हर इंसान का जो भी मूवीज में काम करता है, जो मूवीज बनाता है, उसका ड्रीम होता है। तो सत्यजीत रे को ऑस्कर एकेडमी अवार्ड मिला था, और अभी भी जो एकेडमी अवार्ड के आर्काइव्स हैं यहाँ पे इनकी मूवीज हमेशा मिलेगी।
बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने, मार्टिन स्कॉर्सीज हो गए, क्रिस्टोफर नोलन हो गए, स्टर्ली कॉफमैन हो गए, गॉड फादर के डायरेक्टर भैया फ्रांसिस कॉपोला, गॉड फादर जिसको आज तक की सबसे बेहतरीन मूवी माना गया है क्लासिकल मूवीज में से एक, उनने भी इनकी बड़ी तारीफ की है बहुत ज्यादा एकदम। क्रिस्टोफर नोलन ने तो जब पथेर पंचली देखी थी तो उन्होंने बोला था कि ये तो अभी तक की सबसे बेहतरीन मूवी है। ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन जो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, मार्टिन स्कॉर्सी जो बहुत बड़े डायरेक्टर है, वो सब सत्यजीत रे के फैन थे। और सत्यजीत रे ने उस समय में मूवीज बनाना शुरू किया था जब भारत में मूवीज का MB नहीं था। ठीक है, तो एक तरीके से दिशा दिखाई। और आज भी जितने भी डायरेक्टर्स हो हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, अनुराग कश्यप हो गए, विशाल भारद्वाज हो गए, बड़े बड़े एक्टर्स, वो सब सत्यजीत रे के बिल्कुल एक गुरु की तरह मानते हैं। और यहाँ पे सत्यजीत रे का जो नाम है वो बहुत ऊपर लिया जाता है। 32 से ज्यादा इन्होंने नेशनल अवार्ड जीते, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनको अवार्ड मिला, एकेडमी अवार्ड तो मिला ही मिला, गोल्डन बियर इनको अवार्ड मिला। दोस्तों आपको बता दूं कि इन्होंने 2 बार गोल्डन बियर अवार्ड जीता है। ठीक है, और ये बेस्ट डायरेक्टर्स को दिया जाता है और बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज है। उसके बाद गोल्डन लायन अवार्ड मिला इनको, लीगन ऑफ ऑनर भी मिला जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है फ्रांस का, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने दिया इनको। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला इनको, ऑक्सफोर्ड से ऑनररी डॉक्टरेट मिला, और चार्ली चैपलिन के बाद ये दूसरे हैं, भारत रत्न मिला, पद्म भूषण मिला और ऑस्कर मिला। तो ये चीज है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक जबरदस्त फिल्म मेकर थे सत्यजीत रे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।